तो पीएसएल निवेशकों के लिए खास तौर पर है कि आखिर 2019 में क्या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होने वाला है, जिससे कि पीएसएल के निवेशकों का या अन्य चिटफंड कंपनियों का जो पैसा फंसा हुआ है, जो गरीब किसानों का पैसा फंसा हुआ है, वे कुछ बदलाव करना चाह रहे। मोदी और राहुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर हम फिर भी कहते हैं हम आपको एक समय दे रहे हैं, मोदी जी केंद्र में हैं और आप कई राज्यों में हैं अब, और लोगों का पैसा दीजिए, हमें मजबूर मत करिए कि हम आपके आ तो चुके हैं, हम आपके सामने आ चुके हैं, पर हम आपके सामने आकर इलेक्शन लड़े ऐसा मजबूर मत कीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पीएसएल के पैसों को वापसी करने के लिए जो अब तक की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो कुछ हद तक सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और उसके नतीजे आ चुके हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि 5 राज्यों में किस किस की सरकार बनी और कितनी कितनी सीट मिली है। 5 राज्यों में चुनाव था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव था, जिसके नतीजे क्लियर हो चुके हैं। और हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से 5 राज्यों में नतमस्तक हो चुकी है कांग्रेस के सामने। पूरे नतीजे क्या है एग्जिट पोल, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपसे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। साथ में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ श्री महेंद्रपाल दामगढ़ जी, जिन्होंने अभी अभी एक पार्टी का गठन किया था 25 नवंबर को जंतर मंतर पर। बीजेपी प्रधानमंत्री कार्यालय वित्त मंत्रालय में ज्ञापन दिया था पीएसएल का पैसा वापसी कराने के लिए और अन्य चिटफंड कंपनियों का पैसा वापसी कराने के लिए, मगर जंतर मंतर पर एक महीने तक भूख हड़ताल चली और वहां पर कोई भी ना तो बीजेपी की तरफ से ना ही किसी अन्य पार्टी की तरफ से कोई भी नेता आ पाया। तब मजबूर होकर के एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम है भारतीय लोक सेवा दल, और ये पार्टी 2019 में चुनाव लड़ सकती है यदि आप लोगों का पैसा वापसी नहीं हुआ तो। इसमें एक संदेश है श्री महेंद्रपाल दामगढ़ जी, अमित गर्ग जी और रामदेव गौतम जी द्वारा। इस वीडियो को देखेगा, मैं इसमें एग्जिट पोल भी दिखाने वाला हूँ 5 राज्य को, साथ में ये वीडियो भी दिखाने वालों की क्या असर पड़ने वाला है, अब क्या आपका पैसा अब मिल जाएगा, कांग्रेस क्या अब आपका पैसा दिलाएगी। आपने होर्डिंग पर देखा होगा कि बोर्ड टंगे हुए थे कांग्रेस में चुनाव अमले में अपने लाई है, पीएसएल और अन्य चिटफंड कंपनियों की बात कही थी कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पैसे दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। तो अब देखते हैं कि कहां पर सरकार बनी है और अब क्या करने वाली है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। आइए देख लेते हैं 5 राज्य के एग्जिट पोल और साथ में इस वीडियो। देखिए, 5 स्टेट में ये चुनाव था, जिसमें मध्य प्रदेश की हम बात सबसे बाद में करेंगे। सबसे पहले बता देते कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव था, जहां पर बीजेपी को मात्र 15 सीट मिली और कांग्रेस को 67 सीट मिली और अन्य को 8 मिले हैं। यहां पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है जो पूर्ण बहुमत से आई है। और मिजोरम की हम बात करें तो MNF 25 सीट लेकर के अपनी सरकार बना चुकी है। बीजेपी को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 6 और अन्य को 8 मिली है मिजोरम में। राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों पर ये चुनाव था, जहां पर बीजेपी को 71 सीट मिली है और कांग्रेस को 103 और अन्य को 25। यहां पर भी कांग्रेस आगे है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हम बात करते हैं तेलंगाना की 119 सीटों पर चुनाव था, बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 23 और TRS को 85 सीट और अन्य को 8 सीट मिली है। यहां पर TRS को पूर्ण बहुमत है और अपनी सरकार बनाएगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, बीजेपी को 111 सीट, कांग्रेस को 108 और अन्य को 11, 230 सीटों पर ये चुनाव था, जहां पर मध्य प्रदेश में त्रिशंकु चुनाव बन गया है। और यहां पर BSP की हम बात कर लेते हैं और थोड़ी SP की बात करते हैं, इन्हीं के कारण वहां पर सरकार बनेगी, ना तो बीजेपी के हाथ में और ना ही कांग्रेस के हाथ में है, जबकि बीजेपी को टक्कर दी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने और अब हेल्प लेनी पड़ेगी और अपनी सरकार बनाने के लिए BSP का साथ लेना पड़ेगा, जहां पर BSP 8 सीटों से आगे चल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की चुनाव को देखते हुए, 2019 का चुनाव देखते हुए कांग्रेस के साथ जा सकती है और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं जो अभी 25
नवंबर को जंतर मंतर पर श्री महेंद्रपाल दानगढ़ जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, और जहां पर एक और पार्टी का आगाज किया गया था, जन लोक सेवा दल। तो ये पार्टी खुश है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ इनका प्रदर्शन था। कारण था कि पीएसएल का पैसा वापसी कराने के लिए इन लोगों ने बीजेपी के बड़े से बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दिए, बीजेपी के कार्यालय में जाकर ज्ञापन दिए, मगर बीजेपी वालों ने किसी भी चिटफंड कंपनी का पैसा वापसी नहीं कराया, जिस कारण से देश के किसान परेशान थे। देश के जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने चिटफंड कंपनियों ने अपने पैसा लगा रखा था, मोदी सरकार ने बंद कर दी, मगर उनका पैसा डूब गया, जिस कारण से आंदोलन सड़कों पर हुआ। भूख हड़ताल पर बैठे महेंद्रपाल दानगढ़ जी, और फिर 25 तारीख तक समय देने के बाद सरकार का जब नुमाइंदा कोई नहीं पहुंचा, तो अपनी एक पार्टी का आगाज किया जो 2019 में चुनाव लड़ेगी मोदी सरकार के खिलाफ, और वादा कर रही है कि 2019 में यदि संसद में बैठने का मौका मिला तो अपनी बात को, सभी चिटफंड कंपनियों के मैटर को संसद में रखेगी और उनका पैसा दिलवाकर ही दम लेगी। आइए हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में रामदेव गौतम जी और अमित गर्ग जी, और साथ में भारतीय लोक सेवा दल के अध्यक्ष श्री महेंद्रपाल दानगढ़ जी ने क्या कहा है इस चुनावी जीत पर। कांग्रेस की जीत कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 5 राज्यों में कांग्रेस के सामने नतमस्तक हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव था और 3 राज्यों में कांग्रेस के सामने घुटने टेक चुकी है अब तक बीजेपी, और 2 सीटों पर मिजोरम और तेलंगाना में TRS और MNF ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है। अब देखना मध्य प्रदेश में है कि पाला किसका भारी होता है, किसकी सरकार बनती है, उम्मीद कांग्रेस की जताई जा रही है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो, जो PSL निवेशकों के लिए खास तौर पर है, कि आखिर 2019 में क्या उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होने वाला है, जिससे कि PSL के निवेशकों का या अन्य चिटफंड कंपनियों का जो पैसा फंसा हुआ है, जो गरीब किसानों का पैसा फंसा हुआ है, वे कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं सरकार में, क्योंकि उनके हाथ में वोट है और वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट देश दुनिया की खबर होती है और PSL चिटफंड कंपनियों के साथ जो खबर लेकर के आते हैं, ये टेप न्यूज़ चैनल लेकर के आता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। मैं रामदेव गौतम, भारतीय लोक सेवा दल का वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोगों में इतनी खुशी है कि दिनांक 11 तारीख को हम लोग मुरादाबाद में एक मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं और मीटिंग चल रही है। आज रुझानों को देख करके हम लोगों में इतनी खुशी है कि हम लोगों की खुशी आज समाय नहीं समर रही है, क्योंकि हम लोगों ने एक मिशन चलाया हुआ था बीजेपी के खिलाफ और वो आज हमारा कामयाब होता हुआ दिख रहा है कि 5-0 से आज बीजेपी का सुपड़ा साफ होने के लिए जा रहा है। ये निवेशकों की केवल लड़ाई है, निवेशकों का अधिकार है, और हम लोगों ने बीजेपी को ये कसम खाई थी कि बीजेपी को भगा के छोड़ेंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से हम लोग सारे कार्यक्रम कर रहे थे, हजारों ज्ञापन हम लोग बीजेपी वालों को दे चुके थे, प्रधानमंत्री जी को दिया, राष्ट्रपति जी को दिया, योगी जी को दिया, सबको दिया, मगर किसी ने हमारी आवाज उठाने का काम नहीं किया। तो हमारे पास विकल्प एक ही था कि बीजेपी भगाओ, और वो हमने आज करके दिखा दिया। दोस्तों, अब भी बीजेपी से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2019 के चुनाव से पहले या तो निवेशकों का पैसा दिला दो, नहीं गुजरात जाने की तैयारी कर लो मोदी जी। अब समय दूर नहीं है, वो हवा निकल चुकी है कि मोदी जी जो हल्ला होता था, अब तो निवेशकों की सरकार बनने के लिए जा रही है। हम भारतीय लोक सेवा दल के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्रपाल जी दानगढ़ जी जो पंजाब से हैं, हम उनको तीसरा विकल्प लेकर के आएंगे और अपने लोगों के थ्रू, अपने निवेशकों के थ्रू, पूरे भारतवर्ष के 10 करोड़ निवेशकों के थ्रू उनको पेश करेंगे और पेश करके अपनी सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निर्णय निवेशकों का है। अगर हमारा पैसा मोदी जी दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो गुजरात जाने की तैयारी कर लो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे भारत देश के सभी साथियों को, पूरे देश की जनता को। मैं एडवोकेट अमित गर्ग, भारतीय लोक सेवा दल से राष्ट्रीय सचिव। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज 11 तारीख का निर्णायक दिन आना था, हम लोगों ने ये तय किया
आज मुरादाबाद में हमारे राष्ट्रीय महासचिव रविशंकर जी की एक मीटिंग रखी और हम लोग इस पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि चार सालों से आखिर इस देश के जनता के प्रतिनिधि जनता की आवाज को सुनते क्यों नहीं है, उसको दबाने का प्रयास क्यों करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत में जहां भूख हड़ताल को महत्व दिया जाता था, धरनों को महत्व दिया जाता था, लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 30 दिन की भूख हड़ताल जो आदरणीय महेंद्र पाल जी के संरक्षण में नेतृत्व में दिल्ली में रखी गई संसद मार्ग में, लेकिन उसका भी कोई महत्व नहीं दिया गया इस बीजेपी सरकार ने। तब हम लोगों ने सभी देश के निवेशकों ने एक निर्णय लिया और 25 नवंबर को भारतीय लोक सेवा दल का ऐलान किया राजनीतिक पार्टी बनाने का निवेशकों के हित के लिए। और आज 11 तारीख को जैसा कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है, हमारे बड़े भाई जी ने बताया कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? जो नगरपालिका की भी सीट नहीं जीत पा रही थी, जो बैसाखियों के सारे चल रही थी सभी को मार्गदर्शन बनाकर, लेकिन आज आ रही है क्योंकि इसके पीछे वो गुस्सा है उन निवेशकों का, उन एजेंटों का, उन कार्यकर्ताओं का जिनको आपने रोजगार छीन लिया, जिनको आपने दर दर को भटकने को मजबूर कर दिया, उनकी आपने जो पैसा था कंपनियों में जमा किया था वो आपने लूट लिया और आज उन्होंने ईवीएम का बटन दबाकर आपको आपकी औकात दिखा दी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, अगर कांग्रेस ने भी जीतने के बाद इस मैटर पर, इस मुद्दे पर जो वाकई में उन्होंने वादे किए और हमारा भरोसा जीत लिया सभी जगह से, सभी राज्यों में, अगर उस पर खरी नहीं उतरी तो 2019 में पूरे देश में आदरणीय महेंद्र पाल जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको तीसरे विकल्प के रूप में आगे आकर और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ेंगे और अपने खुद की सरकार बनाएंगे और सभी निवेशकों का हक ब्याज सही दिलवाएंगे और सभी एजेंटों को रोजगार देंगे जो आपने छीना। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी हार रही है। क्यों हार रही है? क्योंकि देश का हर वर्ग दुखी है, किसान, मजदूर, मुलाजिम, व्यापारी, स्टूडेंट, हर वर्ग इन मोदी जी की 5 साल की जो कार्यकाल था, जो 4.5 साल पूरा हो चुका है, इसमें दुखी है, तपा हुआ है। तो लोग तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली क्या चाह, पहले जिसने 60 साल लूटा उसी को फिर लाना मजबूरी बन गई। और आज मैं ये कहूँगा मोदी जी, एक वो लोग जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड कंपनीज और सोसाइटीज मैं जमा करवाई, वो पिछले 4 साल से दर दर की ठोकरे खा रहा है, रोड पे है और आपने नहीं सुना। और उन वो 5 राज्यों में हैं वो पीड़ित लोग, और उन्होंने तो सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। अभी भी जाग जाइए, 2019 के इलेक्शन से पहले इंडिया के दुखी लोगों के लिए समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, उनकी समस्या को दूर कीजिए, नहीं फिर आपको पता ही है कि आप दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। और रही दूसरी बात, कांग्रेस ऑलरेडी पंजाब में भी है, क्योंकि पंजाब में भी उसने हमें बोला था कि मैं पल्स के पैसे दूंगा, अब फिर वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में और दूसरी एमपी में मुझे बोल के हमारे लोगों से वोट लेके आई है कि हम पीड़ितों के पैसे देंगे, कंपनीज पीड़ितों के पैसे देंगे। आपके पास समय है, समय है, पंजाब में शुरू कीजिए वो काम, छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों तक आपके लोग, एमपी में, राजस्थान के, जहां आपकी सरकार बननी है सरकार बना लेंगे। तो पहले काम इस पे करो, नहीं फिर 19 में आप भूल जाओ कि हम आपको जीतने देंगे। मोदी और राहुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर हम फिर भी कहते हैं हम आपको एक समा दे रहे हैं, मोदी जी केंद्र में हैं और आप कई राज्यों में हैं, आप और लोगों का पैसा दीजिए, हमें मजबूर मत करिए कि हम आपके आ तो चुके हैं, हम आपके सामने आ चुके हैं, पर हम आपके सामने आकर इलेक्शन लड़े ऐसा मजबूर मत कीजिए। आप हमें हमारा काम करने के लिए छोड़िए, आप राज कीजिए, हमारे लोगों का दर्द समझिए। आपके पास कांग्रेस जी समा है, बीजेपी साहब आपके पास भी समा है, हल कीजिए, हम पेट करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं का हल करोगे। सत श्री अकाल।